जैसा कि आपको पता लग गया होगा टाइटल देख के कि हम कहाँ पे हैं, तो मैं आया हूँ एबटाबाद चेयरलिफ्ट टाउनशिप, एबटाबाद चेयरलिफ्ट नवा शहर में है। और एक वायद ही मुझे लगता है इसके अलावा कोई चेयरलिफ्ट नहीं है अभी तक एबटाबाद के एरिया में। सो यही चेयरलिफ्ट है और ये जाती है आगे कालाबाग तक, तो अभी हम जाएंगे। तो भाई जब भी आप टाउनशिप एबटाबाद चेयरलिफ्ट की तरफ आएँ तो लाजमी एलआईसी मस्जिद के पकौड़े ज़रूर ले कर आना साथ, याद रखिएगा। अकेला तो वो से आने नहीं होता, साथ ये आए हैं, कोई जानता है इसे। अच्छा जी, मैं बैठ गया हूँ अभी चेयरलिफ्ट पे, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आप देख सकते हैं पीछे व्यू भी आपको नज़र आ रहा होगा, सर्दी है थोड़ी थोड़ी, तो ज़्यादा नहीं है, बस अच्छा वेदर है। तो भाई ये रहा बैग, ये मैं खुद बैठा हूँ और ये चेयर लिफ्ट। और एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आते हैं और चेयर लिफ्ट की तरफ आपका इरादा बनता है, आप आते हैं और चेयर लिफ्ट पे बैठते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। क्योंकि यार ये व्यू आप देख लें, व्यू ही इतना फिट है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा यहाँ पर आना। तो एक दफ़ा ज़रूर आए आप लाजमी मेरे कहने पर। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि ये चेयर लिफ्ट आखिर जाती कहाँ पे है और कितने मिनट आपको इस पर बैठना पड़ता है। आपको तकरीबन 20 मिनट्स यहाँ पे बैठना पड़ेगा और 20 मिनट का आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि यार इतने क्लास के व्यूज़ हैं ये आप देख सकते हैं। और आगे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं, और जो जगह है आगे जो जिधर इसका पॉइंट जहाँ पर यह ख़त्म होती है चेयर लिफ्ट, वो जगह है कालाबाग। कालाबाग पर आपको बहुत अच्छे और क्लास के व्यूज़ मिल सकते हैं आगे, और आगे मैं पहुंचने वाला हूं अभी, बस उतरना है और आपको व्यूज़ दिखाता हूं फिर। लो जी, तो हम पहुंच आए हैं अपनी मंजिल पे, अभी हम उतरेंगे। ये बैग ले लिया मैंने, लो जी हम आ गए। वो हो व्यू, तो भाई ये हमारे साथ ये टूरिस्ट भी हैं, ये भी जा रहे हैं आज एडवेंचर करने आए हैं यहाँ पे। पिंडी से आए हैं ना आप? जी जी बिल्कुल जी, सही है जी। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं चेयरलिफ्ट से उतरने के बाद। 3 मिनट की ट्रैकिंग है यार, इतनी कुछ खास नहीं है ट्रैकिंग, लेकिन ये जो जगह है ये बहुत खास है। ये आप देख सकते हैं पानी, यार बहुत क्लास की जगह है, आप ज़रूर आएँ एकदम। जो हल्की बारिश हो रही थी, अब बहुत तेज़ और शदीद बारिश हो चुकी है, जिस वजह से मैं सही तरह से शॉट के लिए ले सका। तो देख सकते हैं आप, ये बारिश हो रही है।
बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और आई डोंट नो कि ब्लॉग कैसा बनेगा, क्योंकि एडिटिंग में जितना होगा मुझसे मैं सेट करने की कोशिश कर लूँगा। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ और उसामा भी साथ है बैठा हुआ है। उसामा कुछ कहना है? बस यही कहेंगे अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।